नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत शाहपुर पुलिस ने बटेच रोड पर नाके के दौरान एक कार से 120 बोतल देशी शराब बरामद की। पुलिस ने इस सिलसिले में चालक अश्विनी कुमार निवासी लाचनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी शाहपुर हेमराज शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने बटेच रोड पर लगाए गए नाके के दौरान मारुति कार नंबर HP 394073 को रोका और तलाशी लेने पर 120 बोतल देसी ब्रांड की पकड़ी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने अश्विनी कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भविष्य में भी कार्यवाही जारी रहेगी। आज मुखबर खास से सूचना मिली कि गाड़ी नंबर HP 394073 जो ग्रोह की तरफ से आ रही है और फ्रॉड की तरफ जाएगी, जिसमें अवैध शराब लोड है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ASI रघुजीत व आरक्षी रविंद्र कुमार, HSG विचित्र सिंह को तुरंत फ्रॉड की तरफ भेजा गया, जिन्होंने गाड़ी नंबर HP 394073 को थ्रॉट को जाती सड़क में पुल के पास रोका और गाड़ी को जब चेक किया गया तो मारुति कार में 10 पेटियां शराब, 120 बोतलें शराब देसी संतरा की बरामद हुई। गाड़ी में गाड़ी चालक अश्विनी कुमार, जो इस गाड़ी का मालिक भी है, लांजनी का रहने वाला है, से पूछताछ की गई। अभी तक आरोपी ने ये ना बताया है कि इसने ये शराब कहाँ से लाई थी और कहाँ लेके जा रहा था। अश्विनी कुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, आगे की तफ्तीश जारी है।